अभी मैं आपको ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी। ये देखिए, ये 6 रो का डिज़ाइन है। 6 रो में ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ध्यान सिर्फ आपको राइट साइड रो में देना होगा, बाकी रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे उल्टे ही बनाना होता है। और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 13+4 के मल्टीपल में। तो मेरे पास यहाँ टोटल 30 स्टिचेज़ हैं, यानी मैं अभी आपको 30 फंदों पे ये डिज़ाइन बुन करके बताऊंगी। और आप चाहें तो इसमें एक से ज़्यादा कलर ऐड कर सकते हैं, या मल्टी कलर में भी आप इसे बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन से आप कार्डिगन स्वेटर बॉर्डर या किट स्वेटर जैकेट कुछ भी बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा उस पर। तो चलिए, रो 1 हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में रो 1 टू 3 हमें ऐसे ही सिंपली सारे फंदे दोनों साइड से उल्टे बुन लेना है। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से जो भी कलर आपको रखना होगा फर्स्ट कलर, उस कलर से हमें सारे फंदे उल्टे ही बना लेना होगा। तो रो 1 में हम सारे फंदे उल्टे बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद रो 2 से डिज़ाइन हम बनाना स्टार्ट करेंगे। रो 1 में सारे फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 2 में आ गए हैं, और शुरुआत के 2 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। और उसके बाद अब हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे को एक साथ सीधा बुनते हुए हम पीछे की तरफ से घटा लेंगे। उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ करेंगे, और यहाँ एक फंदे से हमें 2 फंदे बनाना है सीधा बुनते हुए। ये देखिए, एक बार हम कर चुके, इसी तरह से हमें 5 बार करना होगा। 5 बार हम रिपीट करेंगे। 2, उसके बाद 3, 4 और 5। ये देखिए, 5 बार हम रिपीट कर चुके। अब हम इस 2 फंदे को एक साथ घटाएंगे, ऊन आगे करके हमें बुनना होगा। ऊन हम आगे करके 2 फंदे को सीधा आगे से घटा लेंगे। ये देखिए, और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। हम सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे, 2 फंदे को एक साथ हम घटा लेंगे पीछे की तरफ से। उसके बाद हम ऊन आगे की तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। और इसी तरह से हमें 5 बार रिपीट करना होगा। उसके बाद फिर हम ऊन आगे की तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। 2 बार रिपीट कर चुके हैं, ये 3, उसके बाद 4 और ये 5। ये देखिए, उसके बाद हम 2 फंदे को घटा लेंगे इस तरह से। ऊन हम आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे को आगे की तरफ से हम घटा लेंगे। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, तो इस 2 फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे। और रो 2 कंप्लीट हो चुका है। और ये देखिए, रो 2 कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम रो 3 में सारे फंदे उल्टे ही बना लेंगे। रो 3 में सारे फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 4 में आ चुके हैं। शुरुआत के 2 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद हम यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ हम घटा लेंगे पीछे की तरफ से। उसके बाद ऊन हम आगे की तरफ करेंगे और 9 फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देखिए 9। 9 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और इस 2 फंदे को हम आगे की तरफ से सीधा घटा लेंगे। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है। हम सेकेंड टाइम यहाँ से रिपीट स्टार्ट करेंगे, यानी शुरुआत के 2 फंदे को छोड़ करके यहाँ से हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे को एक साथ हम पीछे की तरफ से घटा लेंगे। उसके बाद ऊन हम आगे करके 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। नौ फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम फिर ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और 2 फंदे को एक साथ हम आगे की तरफ से घटा लेंगे। और ये देखिए, लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बच गए हैं, तो इस 2 फंदे को हम सीधा ही बना लेंगे। और रो 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन हम रो 5 में सारे फंदे उल्टे ही बना लेंगे। रो 5 में सारे फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम लास्ट रो 6 में आ चुके हैं। शुरुआत के 2 फंदे को सीधा बुनेंगे, 1, 2।
उसके बाद इस दो फंदे को एक साथ हम पीछे की तरफ से घटा लेंगे और ऊन हम आगे की तरफ करेंगे और सात फंदे हम उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। सात फंदे उल्टे बुन लेने के बाद ऊन को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इस दो फंदे को हम आगे की तरफ से घटा लेंगे। सीधा बुनते हुए हमें घटाना होगा। और फर्स्ट टाइम रिपीट ख़त्म हो चुका है, अब हम फिर से सेकंड टाइम रिपीट स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के दो फंदे को छोड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक हम रिपीट करेंगे। तो दो फंदे को एक साथ हम पीछे की तरफ से घटा लेंगे, उसके बाद हम ऊन हम आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से सात फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तीन, चार, पाँच, छः और सात। सात फंदे उल्टे बुन लेने के बाद हम ऊन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दो फंदे को सीधा बुनते हुए हम घटा लेंगे। और ये देखिए लास्ट में हम आ चुके हैं, लास्ट में दो फंदे बच गए हैं, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। और ये देखिए रो सिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगेन अब हम रो वन में जो फिर से कलर ऐड करना होगा वो कलर हम ऐड कर लेंगे और इस तरह से रो वन टू सिक्स कंटिन्यू हम रिपीट करेंगे। और ये देखिए रो वन टू सिक्स बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यू बनाने के लिए फिर से आपको रो वन टू सिक्स ही रिपीट करना होगा, लेकिन नेक्स्ट रो वन टू सिक्स में हमें कलर ऐड करके बनाना होगा। तो इस तरह से ये मल्टी कलर में ये डिज़ाइन बनते जाएगा।